नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, जिला प्रमुख और पंचायत समिति के सदस्यों के जो चुनाव है, चुनाव का महासंग्राम, मैं बात कर रहा हूँ नोखा की। नोखा पंचायत समिति हम जानने की कोशिश करेंगे किसका बनेगा प्रधान, ये भी कोशिश करेंगे, और गांव-गांव जनता की बात करेंगे। गांव-गांव में जैसे देख पा रहे हो, रात्रि चौपाल भी लगाई जा रही है, वहाँ से जनता से बात करेंगे, जहाँ पर देखे जाएंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इनकी नज़रों में किसका बनेगा प्रधान, या इनके गाँव में कौन बन रहा है, कांग्रेस या बीजेपी जो दावेदारी कर रहे हैं यहाँ पे, सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसके बन रहे हैं, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। सर, आपकी नज़रों में आपके ग्राम पंचायत में अभी देख रहे हैं, जैसे डायरेक्टर के चुनाव भी है और पंचायत समिति सदस्यों के भी चुनाव है, तो पहली बात करते हैं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पंचायत समिति चुनाव में यहाँ लग रहा है पलड़ा कांग्रेस का भारी लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार यहाँ है अभी फिलहाल राजस्थान में, और उसकी वजह से आने वाला भी जैसे पंचायत का विकास होने के लिए भी कांग्रेस जैसे प्रमुख कांग्रेस का मतलब लग रहा है चांस कि जिला प्रमुख कांग्रेस का बनेगा। तो यहाँ हम जनता भी ये चाहती है कि हमारे पंचायत का विकास हो, इसलिए प्रधान अगर सामान्य जैसे सीट है प्रधान सामान्य तो कांग्रेस का बने, तब जो जो सरपंच है उनका विकास काम मिलेगा, तभी हमारे पंचायत का विकास होगा। जैसे इनकी नज़रों में कांग्रेस का बन रहा है, सर आपकी नज़रों में क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा? आपके गाँव से पहले बात करते हैं तो हमारे गाँव सर बीजेपी का रहेगा। बीजेपी का रहेगा, क्या कारणों से बीजेपी का भारी रहे? सदाबहार बीजेपी का चल रहा है सर। नहीं, बीजेपी को चाहने का, बीजेपी को जीतने का कारण तो होता है, इस वजह से बीजेपी जीत रही है। बीजेपी का देखो यहाँ से वो है बिहारी लाल जी विश्नोई, इसी तरफ से बीजेपी का है। अच्छा सर, आपकी नज़रों में बीजेपी, तो बीजेपी का जैसे आप डायरेक्ट बीजेपी कह रहे हो, किस कारण से कह रहे हो ये तो बता सकते हो सर? अरे कारण वही है कि हम बीजेपी सदाबहार से बीजेपी को देते आ रहे हैं वोट। अच्छा, सदाबहार या बीजेपी को देते आ रहे हैं सर, तो भी आपकी नज़रों में क्या लगता है किसका बन सकता है प्रधान नोखा में? नोखा बीजेपी का ही बनेगा सर। बीजेपी का ही बनेगा ये कह रहे बीजेपी का। सर आपकी नज़र में किसका बनेगा प्रधान? बीजेपी। सर आपकी नज़र में? बीजेपी। सर आपकी नज़र में? कांग्रेस। सर आपकी नज़र में? बीजेपी। बीजेपी। सर तो आपने जैसे कांग्रेस का कह रहे हो, क्या कारणों से कांग्रेस का बनना चाहिए? सभी एक तरह की पार्टी बोले बीजेपी, हम कांग्रेस की तरफ से हम कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस को आप पसंद है इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस एक तो ये भी पता चले पब्लिक को, इन बीजेपी वालों को भी पता चलना चाहिए कांग्रेस में क्या ऐसी प्लस पॉइंट है जो ये ऐसे, हमारी ख्वाहिश यही है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। इनकी ख्वाहिश ये है कांग्रेस को वोट दें। किस वजह से बीजेपी में जुड़े हो? मोदी जी से। मोदी जी की वजह से, मतलब इस वोट से भी आपको मोदी जी के ताल्लुक जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जोड़ा जा रहा है सर। अच्छा, जैसे ये कार्य अच्छा है उनका, इसलिए बीजेपी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है बीजेपी, कुछ लोगों का कहना है कांग्रेस। दोस्तों आपका क्या कहना है, किसका बनेगा प्रधान, ये भी कमेंट द्वारा जरूर बताना। हमारे दी गई जानकारी कैसी लगी वो कमेंट द्वारा जरूर बताना। हम बात करें नोखा पंचायत समिति के 5 नंबर वार्ड का भी सर्वे करने की कोशिश करें, आपकी नज़र में किसका बनेगा प्रधान ये जरूर बताना। हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी वो कमेंट द्वारा जरूर बताना। आपका गाँव कौन सा, नेक्स्ट आपके गाँव में रात्रि चौपाल लगाई जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।